हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 10th एंड 12th उत्तराखंड बोर्ड का जो रिजल्ट है कल आपका डिक्लेयर होने वाला है, तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। आप सभी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, टेंशन फ्री होके रहिए, ठीक है। कई बच्चे इस टाइम परेशान काफ़ी ज़्यादा हो रखे होंगे कि कल रिजल्ट कैसा आएगा, हमारी परसेंटेज क्या होगी, काफ़ी चीज़ों को लेकर बच्चों के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स रहते हैं। कई बच्चे परेशान भी होते हैं और कई बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर डर लग रहा है, क्या होगा कैसा होगा। तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा कल, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाना रिजल्ट को लेकर। जिन बच्चों ने, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो अपनी बोर्ड की नोटबुक में कुछ ना कुछ लिख के आए हैं, डेफिनेटली वो पास 100% हो जाएंगे। कई बच्चों को ये डर लग रहा था 10th वाले बच्चों को कि हमें मैथ्स में नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हमारे नंबर कटेंगे तो नहीं, ये ऐसा वैसा। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है तो उसमें नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है तो उसमें नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और नहीं भी किया होगा तो भी उसमें नंबर होंगे, बट यह है कि वो क्वेश्चन आपने उसके बदले कोई उसी का अथवा या वैसा करके कोई क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट ना किया होगा तब, ठीक है। जैसे अथवा में 2 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 1 क्वेश्चन आपके सिलेबस से और 1 आउट ऑफ सिलेबस है। अगर आपने आउट ऑफ सिलेबस वाला अटैम्प्ट किया होगा, क्योंकि आपको कोई सा भी 1 क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट करना था, ठीक है, तो अगर आउट ऑफ सिलेबस वाला अटैम्प्ट किया होगा तब तो उसके नंबर मिल सकते हैं। बट अगर आपने जो सिलेबस में है उसको अटैम्प्ट किया और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 12th में तो आपके 7 नंबर बोनस मार्क के हैं, वो तो 100% 12th वालों को मिलेंगे ही मिलेंगे। और कई बच्चों के कमेंट ये भी आ रहे हैं कि सर हिंदी में अगर हम फेल हो गए तो हम फेल मान जाएंगे। बिल्कुल, अगर आप हिंदी में फेल हो जाते हैं तो आप फेल ही माने जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। 100 में से 99.99% तो बच्चे फेल नहीं होते हैं हिंदी में। अगर फिर भी एक कोई 0.01% अगर चांस बनता है तो बन सकता है, नहीं तो ऐसा होगा नहीं कि हिंदी में कोई बच्चा फेल हो। ऐसे ही इंग्लिश के लिए भी यही सेम प्रोसेस रहती है कि इंग्लिश में भी बहुत ना के बराबर ही बच्चे फेल होते हैं। ज़्यादातर बच्चा अगर फेल होगा तो आपका मैथ्स और साइंस में ही फेल होता है। पहली बात तो अब भी इतना ज़्यादा आपके लिए फैसिलिटीज़ कर दी हैं कि 20 नंबर का आपको फैसिलिटीज़ ही कहेंगे, उसे प्रैक्टिकल के नंबर मिल रहे हैं, 20 नंबर फ्री के मिल रहे हैं आपको। उसमें आपको ना कोई मेहनत करनी है ना कुछ करना है, आपके वो फ्री फंड के ही नंबर हैं जो 20 नंबर हर सब्जेक्ट में आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 80 में से आपको ओनली 13 नंबर लाने हैं, तो वो हर बच्चे के आ जाते हैं। हिंदी में इतना आप लिख के जरूर आते हैं कि 80 में से 13 नंबर आपको एग्जामिनर दे ही देंगे, ठीक है। वो बिल्कुल ही कोई बच्चा अगर छोड़ के आएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ 99.99% बच्चे जो है हिंदी में पास ही होते हैं। कोई एक ही बच्चा होगा, ठीक है, जो हज़ारों लाखों में से ऐसा होता होगा जो हिंदी में फेल होता है, ठीक है, वैसे कोई बच्चा हिंदी में फेल नहीं होता है। तो हिंदी को लेकर आप निश्चिंत रहिए, और हिंदी में ना तो आपको ग्रेस मिलेगा, अगर आप फेल होंगे तो फेल ही माने जाएंगे, इस चीज़ को आप ध्यान में अपने माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जाम का कई बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर इसमें कंपार्टमेंट एग्जाम हम हिंदी में अगर फेल होते हैं दे सकते हैं, तो अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि हिंदी के एग्ज़ाम को लेकर कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ हो। अब इस बार का मुझे पता नहीं है कि इन्होंने क्या अपना रूल निकाला था। हालांकि अभी तक का जो क्राइटेरिया इन्होंने निकाला था 25% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में, तभी आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पर हिंदी के लिए तो ऐसा अभी तक कोई केस ऐसा आया नहीं है जिसके लिए ये पता चले कि हिंदी में कोई बच्चा फेल हुआ और उसने कंपार्टमेंट दिया हो, ठीक है। और सब्जेक्ट का, मैथ साइंस का और SSC तक का भी यहाँ पे केस आ चुका है कि SSC में या मैथ साइंस में बच्चे फेल हुए थे, उन्होंने कंपार्टमेंट दिया है, पर हिंदी का कोई ऐसा अभी नहीं आया है, ठीक है। अगर ऐसा होगा भी तो हिंदी के लिए भी ये रूल फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदी के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होगा, बट ग्रेस तो आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी बात बात करते हैं क्लास 12th वालों की। क्लास 12th वाले बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा, ये है कि कोई कह रहा फिजिक्स में डर है, कोई कह रहा है केमिस्ट्री में, मेरा मतलब मन से बना के लैंग्वेज लिख के आया हूँ। अलग अलग तरीके से बच्चों के व्यूज़ आ रहे हैं, जैसा उनका क्या कहते हैं माइंड सेट चल रहा होगा अभी रिजल्ट को लेकर। तो अभी आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। लाइव स्ट्रीम तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पूरा दिन जो है स्कूल में, फिर ट्यूशन वगैरह पढ़ाने में टाइम काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है। तो कल जो रिज़ल्ट आप, मैं सुबह वीडियो डाल दूंगा आपको बेस्ट विशेस का, तो आप जौन सी साइड मैंने आपको बताई है वीडियो पे जाके वहाँ से देख लीजिएगा, उन साइडों पे जाके अपना रिज़ल्ट विदाउट रोल नंबर के आप देख सकते हैं। रिज़ल्ट 12 बजे तक आपको देखने को मिल जाएगा, अगर 11:30 बजे सही टाइम पे रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, तो 12 बजे तक आपको रिज़ल्ट, अगर 10-15 मिनट अप डाउन होगा तो आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो है मॉर्निंग में स्कूल रहेगा तो मैं आपका रिज़ल्ट लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाऊँगा। तो आप अपना प्यार मेरे चैनल पर बनाए रखें, पर बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका रिजल्ट बेहतरीन आएगा। 10th 12th वाले बच्चे जिन्होंने मेहनत किया उनको उसका परिणाम, यानी कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है और मेहनत का फल भी मीठा होता है, ठीक है। जब आपने मेहनत करी है तो उसका फल भी आपको क्या मिलेगा, मीठा ही मिलेगा, अच्छा ही फल मिलेगा, कहने का मीन्स ये है,
ठीक है, तो अपनी तरफ से आप चैन की नींद यानी कहेंगे आराम से सोइए, टेंशन फ्री होकर रहिए। अगर आप अभी यूट्यूब पे कुछ काम कर रहे हैं तो यूट्यूब पे काम करिए, कोई मूवी देख रहे हैं तो मूवी देखिए, अपने माइंड को फ्रेश करके रखिएगा, ठीक है। किसी भी तरीके के माइंड में टेंशन नहीं पालनी है। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो कल फिर हम शाम को इवनिंग टाइम पे आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे, सभी बच्चों को बेस्ट विशेस देंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस बच्चे की कितनी परसेंटेज बनी है, कौन कहाँ का रहने वाला है। तो सबके कमेंट का मैं एक नेम लिस्ट बना के पूरा एक वीडियो डालूंगा और सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो अपनी तरफ से मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूँ कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है, और आपका रिजल्ट आएगा भी अच्छा ही। जो बच्चे मेरे साथ चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं, ठीक है। तो अपना प्यार मेरे पे चैनल पर बनाए रखिए और आगे भी चैनल को सपोर्ट करते रहिए। चाहे आप 12th पास भी हो जाते हैं तो आपके आगे ग्रेजुएशन के लिए अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उस पर भी मैं आपकी काफ़ी हेल्प करूँगा, इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए। उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटेटिव हों चाहे आपके बोर्ड वाले एग्ज़ाम हों, सभी में आपको पूरी हेल्प दी जाएगी। आपके छोटे भाई बहन 9th 8th 7th जिसमें भी पढ़ते हैं उनको भी चैनल से जोड़िए, ताकि आने वाले समय में उनको भी क्या पढ़े नीट पढ़ सके चैनल की, तो वो एकदम से अपने उत्तराखंड बोर्ड रिलेटेड सिलेबस से अपने कंटेंट से जुड़े हुए चैनल के साथ ही जुड़ेंगे। तो आप अपने छोटे भाई बहनों को भी सपोर्ट के लिए बोलिए कि भैया का चैनल या सर का चैनल जो भी आप कहना चाहते हैं उनका चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। अब जल्दी मैं लाइव स्ट्रीम करनी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब गर्मियों के दिनों में दिन थोड़े लंबे हो जाते हैं तो टाइम थोड़ा सा मैनेज हो जाता है, सर्दियों में तो नहीं हो पा रहा था लाइव स्ट्रीम का। और सबसे पहली बात, आपको 20K 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, आपकी सपोर्ट से ये संभव हो पाया है, ठीक है। तो आपका ही ये प्यार है जो इतनी जल्दी हमने ये स्कोर अचीव किया है, और मेरा इस बार का जो टारगेट है आई होप आप इस सब चीज़ों को पूरा करवाएंगे। इस साल जो है मैंने अपने मन में टारगेट ले रखा है कि इस साल 1 लाख सब्सक्राइबर जो है मुझे अपने चैनल पर करने हैं। चाहे इसके लिए मुझे आपका कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की वीडियो डालनी पड़े या आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियो डालनी पड़े, चाहे मुझे इसमें थोड़ा CBSE का भी पोर्शन इंक्लूड करना पड़े, तो आप इसमें मेरे को पता है पूरा सपोर्ट आप अपना देंगे। ग्रेजुएशन से रिलेटेड अगर किसी को कोई मटेरियल या कुछ चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जल्दी मैं अपने चैनल की एक साइट बनाने की सोच रहा हूँ, और जल्दी मैं चैनल की साइट भी बना लूँगा। आई होप आप कमेंट करके बताइएगा कि यह डिसीज़न मेरा कैसा है कि मैं अपने चैनल की एक साइट बनाऊँ और उसमें आपके लिए कंटेंट अपलोड करूँ, चाहे आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो, 12th का हो, 11th 9th 8th सबका ही, 10th का सबका कंटेंट वहाँ पे अपलोड किया जाएगा ऑल स्ट्रीम के साथ। और एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बताऊंगा, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ऐसा मत करना रिजल्ट आने के बाद धीरे धीरे बच्चे कुछ 10-5 बच्चे जो होते हैं चैनल अनसब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है, पर ऐसा मत करना, आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको आने वाले टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा चैनल से हेल्प मिलने वाली है। तो ठीक है, तो निश्चिंत होकर रहिए, रिजल्ट कल आपका आने वाला है, बेफिक्र चैन फ्री होके, मतलब माइंड फ्री होके जिसे कहते हैं, टेंशन नहीं रखनी माइंड में, फ्री माइंड आप रहिए, ठीक है, टेंशन दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना। मम्मी पापा के साथ बैठ के गप्पे मारिए, ठीक है, भाई बहन के साथ बस मौज मस्ती कीजिए, फ़ोन चला रहे हैं फ़ोन चलाइए, बट दिमाग में टेंशन ना लें, कल रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा। कल इवनिंग टाइम में वीडियो अपलोड करेंगे, फिर आपसे अच्छे से बात करेंगे, तो मिलते हैं कल की वीडियो के साथ, थैंक यू।